गाइस, क्या आपके वर्कआउट के बाद आप ज्यादा फटीग या थकान महसूस करते हो, या आपका सोरनेस, मसल सोरनेस एक रेस्ट लेने के बाद भी नहीं जाता है अंटिल नेक्स्ट डे आल्सो? सो गाइस, इसका रीजन हो सकता है लो रिकवरी ड्यू टू यूर इम्प्रॉपर पोस्ट वर्कआउट मील, जो आपको हेल्प करता है आपके मसल रिकवरी के लिए, जो हेल्प करता है आपका सोरनेस दूर करने के लिए, जो हेल्प करता है इवन नेक्स्ट डे परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। सो गाइस, अगर आपको भी कंफ्यूजन मील को लेके कि क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे तो आपका रिकवरी प्रोसेस बूस्ट होएगा, सो जस्ट गेट इन, ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स या कुछ ऐसे सैंपल मील्स बताऊंगा जो हेल्प कर सकते हैं आपके मील को प्लान करने में और आपके रिकवरी को बूस्ट करने में। हाय गाइस, दिस इज संजीव कालीवाला, आई एम द फाउंडर ऑफ द नेचुरल लाइफस्टाइल हब एंड ऑन ए मिशन टू हेल्प एटलीस्ट 100,000 वर्किंग प्रोफेशनल्स टू अचीव देयर गुड हेल्थ, टू अचीव देयर फिटनेस और टू अचीव देयर लॉन्जिविटी बाय यूजिंग ऑल नेचुरल टेक्निक्स। So without wasting time, let's do the video. So guys, actually post workout meal क्यों जरूरी है? जब आप एक वर्कआउट करते हो, आपका बॉडी, आपके मसल्स जो है गाइस एक कैटाबॉलिक स्टेट में चले जाते हैं, यानी ब्रेकिंग द मसल्स, एंड इवन आपका जो ग्लाइकोजन लेवल होता है आपके मसल्स में वो भी डिप्लीट हो जाता है। सो अगर एक अच्छा आप पोस्ट वर्कआउट मील ऐड करोगे अपने रूटीन में तो वो हेल्प करेगा आपके मसल्स को रिपेयर करने में, साथ ही साथ आपके मसल्स को रिप्लेनिश करने में भी। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऐड करते रहते हैं अपने पोस्ट वर्कआउट मील में, जैसे कुछ लोग लेते हैं प्रोटीन सोर्स थ्रू फूड्स, कुछ लोग लेते हैं जो आजकल फैंसी है सप्लीमेंट के थ्रू, और उसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कुछ लोग लेते हैं फ्रूट्स जैसे बनाना एंड एनी अदर फ्रूट, और कुछ लोग लेते हैं ब्रेड्स, वाइट राइस। सो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आ सकता है गाइस, क्या आप फ्रूट लेना सही रहेगा या कोई कार्ब सोर्स लेना सही रहेगा? द आंसर इज द डिफरेंस बिटवीन द शुगर टाइप। फ्रूट्स में होता है गाइस फ्रुक्टोस, जो थोड़ा टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में और आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने के लिए। वहीं अगर आपको ये सिंपल कार्ब्स जैसे वाइट ब्रेड या वाइट राइस जैसे यूज कर सकते हो, ये थोड़ा जल्दी से डाइजेस्ट होते हैं आप और इमीडिएटली दे विल गो इन योर ब्लड स्ट्रीम अलॉन्ग विथ योर प्रोटीन टू स्टार्ट द रिकवरी प्रोसेस। तो इसके प्रकार आप देखोगे तो आपका पोस्ट वर्कआउट में होने चाहिए तीन जरूरी इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहला है प्रोटीन, जो आपके रिपेयर में हेल्प करेगा। सेकंड होता है आपके सिंपल कार्ब, जो आपको रिप्लेनिश होने में हेल्प करेंगे। और थर्ड इंग्रेडिएंट जो आप ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं गाइस, वो है आपका वाटर। क्योंकि आप जब एक वर्कआउट सेशन करते हो, आपकी बॉडी सिर्फ कैटाबॉलिक स्टेट में नहीं जाती है गाइस, नॉट ओनली इट विल डिप्लीट द ग्लाइकोजन, एट द सेम टाइम आप डिहाइड्रेशन का भी शिकार हो सकते हो। सो ऑलवेज फोकस टू रिहाइड्रेट योरसेल्फ विद प्रॉपर वाटर इनटेक आल्सो। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर प्लानिंग ए पोस्ट वर्कआउट मील और आपको सप्लीमेंट लेने में कोई दिक्कत नहीं है, तो यू कैन गो वन स्कूप वे प्रोटीन अलॉन्ग विथ ए कप ऑफ वाइट राइस और वाइट ब्रेड। अगर आपको सप्लीमेंट लेने में दिक्कत है तो इवन यू कैन गो फॉर एग वाइट्स अपने बॉडी के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कितने लेना चाहिए आप चूज कर सकते हो। और उसके साथ ही साथ एज आई सेड यू कैन ऐड राइस और ब्रेड्स एंड विथ अप्रोप्रिएट फ्लूइड। सो कितना रेशियो में इंग्रेडिएंट चाहिए गाइस? सो प्रोटीन यू कैन टेक अराउंड 20 टू 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। सो कार्बोहाइड्रेट्स यू कैन टेक एनीवेयर बिटवीन 0.8 टू 1.5 ग्राम पर पाउंड वेट एंड वाटर एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो इसका मतलब ये नहीं है गाइस कि आपको प्रोटीन के साथ कोई फ्रूट लेना बिल्कुल रॉन्ग अप्रोच है। यू कैन हैव फ्रूट्स, बट फ्रूट्स के अदर बेनिफिट्स के लिए, जैसे अगर आप एक बनाना ऐड करते हो प्रोटीन के साथ, यू विल गेट द बेनिफिट्स ऑफ हाई पोटेशियम। अगर आप वाटरमेलन ऐड करते हो अपने वे प्रोटीन के साथ, इट विल बी हैविंग हाई सिट्रोलिन एंड पोटेशियम, जो आपको हेल्प करेंगे, ना कि आप फ्रूट ऐड कर सकते हो आपके ग्लाइकोजन रिप्लेनिश के लिए। इस तरह आप अपना पोस्ट वर्कआउट मील प्लान कर सकते हो और ऐड कर सकते हो अपने रूटीन में, जिससे कि आपको अच्छा रिकवरी मिले, जिससे कि आप ना ही उस दिन के वर्कआउट से रिकवर, दूसरे दिन के वर्कआउट के लिए भी आप रेडी हो जाए। सो ट्राई करिए अपना पोस्ट वर्कआउट मील डिजाइन करने के लिए। अगर आपको फिर भी कुछ कंफ्यूजन है, डाउट है, तो यू कैन आस्क मी इन माई कॉमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। सो गाइस, होप दिस वीडियो यू फेल्ट हेल्पफुल। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। So guys, this is Sanjeev Kaliwala. See you in the next video.
Till that time, stay healthy, stay fit. Bye.